नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। एक बच्ची हमारे साथ जुड़ रही है जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आती है। वो क्या बताती है आपको, सीधी बातचीत दिखाते हैं। उसकी तमन्ना जी हैं। तमन्ना जी, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? सिक्स क्लास में। डेरा सच्चा सौदा में कब से आ रहे हो? बचपन से। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स भी आते हैं? हाँ। वो आपको भेज देते हैं? हाँ, भेज देते हैं। सेफ महसूस करते हो? बहुत सेफ लगता है। कभी भी अलग तरीके का महसूस किया हो? नहीं। गुरुजी के बारे में जो इतना कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा था, वो झूठ है। सच क्या है फिर? मतलब आपके पेरेंट्स ने भी बताया होगा, जो भी इतने रोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये मीडिया सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतनी बार डेरे में आते हैं, रात भी रुकते हैं, हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। आप क्यों जुड़े हो? आपको क्यों अच्छे लगते हैं गुरुजी? वो गलत काम करने से रोकते हैं और अच्छे कामों के लिए कहते हैं। क्या गलत काम रोका उन्होंने? क्या बोला आप लोगों को? वो नशे से रोकते हैं और जो भी गलत काम हो रहे हैं समाज में, दुनिया में, उससे रोकते हैं। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ, बहुत ज़रूरत है उनकी आज। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो समाज में होने चाहिए। उन जब वो होते हैं तो कई काम अच्छे होते हैं। क्या अच्छे काम किए हैं उन्होंने? उन्होंने गरीब बेटियों की शादी करवाई है, नशे से रोका है और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बेटियां भी बता रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं है डेरा सच्चा सौदा का। इनके माँ बाप भी इनको भेजते हैं और इनकी यही मांग है कि समाज में संत जी वापस आने चाहिए। आखिर सच क्या है, आप लोग सोचिए और अपनी राय डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।